नहीं भाजपा कह रही है तो ब्रह्म वाक्य है, भाजपा में क्या कह रहे हैं, कौन सी है भाजपा जिसको इस देश को महफूज रखने नहीं आता है। मणिपुर जल रहा है, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने, वो तो कहिए ऊपर वाले की कृपा थी, कुछ टनल से मजदूर के निकलते वक्त झंडा लेके नहीं पहुंच गए वहां। इवेंट बाजी करने वालों के सवाल से हम दूर रहते हैं, कौन अरे तो प्रधानमंत्री जी तो सूरज पूरब में उगेगा कल, यकीन मानिए वो दिन भी आने वाला है, वो कहेंगे मैं हूं तो सूरज पूरब में उग रहा है, मैं ना होता तो पश्चिम में। हाँ, आज हम लोगों के लिए हमारी मीटिंग की शुरुआत हमने एक अपने बहुत मुखर वरिष्ठ साथी को खो दिया, देव मुनि जी को हमने खो दिया। आज हमने उस शोक सभा से ही, क्योंकि कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित था, कार्यक्रम को भी हमने काफी टोन डाउन किया उस शोक सभा के बाद। रिजल्ट आने वाला है उसको क्या कह दिया होगा, तेलंगाना में 5:30 बजे तय हो जाएगा। तो जनमत के पूर्व जब तक पेटी ना खुले, ईवीएम ना खुले, मैं अमित शाह जी तो हूँ नहीं कि पहले से ही सारी ईवीएम की जानकारी लेके बैठा हूँ। आपराधिक घटनाओं पर जो लगातार आप लोग गिर रहे हैं, कहाँ की आपराधिक घटना, जंगल राज कौन बोल रहा है ये भाई, आईना रखते हैं सामने, कोई डेटा देख लो, बिहार हर जगह बाकी बीजेपी शासित राज्य से पीछे। अब आप किसी का बयान उठा के ले आइएगा, कहिएगा आपराधिक घटना हो रही है, आप नहीं तो सम्राट चौधरी जी को कुछ पुराने बयान दिखा दूं, मैं दिखा दूं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा, मणिपुर पे जो लोग चुप, सम्राट चौधरी मणिपुर को पूछिएगा कि मैंने कहा है कि मणिपुर पे बोले। मेरा सीधा मानना है कि सबसे त्वरित कार्रवाई अगर देश में किसी अपराध के बाद होती है तो वो बिहार है। क्या इसको एक्नॉलेज हम नहीं करेंगे, क्या इस पर हम इसलिए कि विपक्ष में हम हमेशा प्रतिरोध की भावना में रहेंगे। एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल होता है जो शायद मैं समझता हूँ सम्राट जी नहीं जानते। लगता है एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश हो रही है क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में। अरे एक बात यार, आपको उतनी जानकारी नहीं है जितनी हमें है, थोड़ी हमें इतनी जानकारी है कि तेजस्वी जी इनके गले का फांस बन गए, ये चाहते हैं किसी तरह साधे नहीं सधेगा, हाथ लगा दोगे ना पीढ़ियां याद रखेंगी। आज हमारे दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता गण जो प्रदेश में है और जो जिलावार है, सब लोगों की एक सामूहिक बैठक हुई। तेजस्वी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद उसके वो आए और उन्होंने इस बैठक की मकसद के बारे में जिक्र किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हम सब ने व्यापक मुद्दों पर चर्चा की और चर्चा का मूल बिंदु था कि बिहार में जो हमारी सरकार है वो बड़ी लकीर खींच रही है और बड़ी लकीर से परेशान लोग उन लकीरों के इर्द गिर्द कुछ अनाप शनाप चीज़ें बोलते हैं। उस प्रचार का, उस दुष्प्रचार का किस प्रकार काउंटर किया जाए, उस दुष्प्रचार के मध्य जो गरीब गुरबा और न्याय की व्यापक समझ है उसको और कैसे धारदार ढंग से रखा जाए, ये हमने चर्चा की। जिलावार भी लोगों ने अपने अपने सवाल सुझाव दोनों दिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।